तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं राहुल गांधी की सजा पर उन्होंने कहा है कि हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस सदैव से पिछड़ों दलितों की विरोधी पार्टी रही है। कांग्रेस ने एक बार नहीं कई बार पीएम मोदी का अपमान किया है। उनके लिए कब्र में भेजने जैसे शब्द का प्रयोग किया और इतनी बार इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, इसकी गिनती गिनाना भी मुश्किल है। और उसके कारण जो पिछड़ावर ही नहीं, हर समाज का जो गरीब है, वंचित है, कमजोर है, वह अपने आप को अपमानित महसूस करता रहा है। कांग्रेस पार्टी का सदैव से यह आचरण रहा है कि बात पिछड़ों की करना, वोट पिछड़ों का लेना और सत्ता प्राप्त हो जाए उन्हीं का दमन करना। एक गरीब मां बाप का बेटा पिछड़े वर्ग से आने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, श्री राहुल गांधी जी और उनकी मम्मी और उनके जीजा और उनकी दीदी, सबको बर्दाश्त नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी को सहन नहीं होता है।